ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇ। मैं कमलप्रीत सिंह पन्नू सूबा प्रधान किसान संघर्ष कमेटी पंजाब। देखो जी, किसानी अंदोलन लगातार शिखर में जा रहा। यह अंदोलन ने पंजाब नहीं, हिंदुस्तान नहीं, इन्हें सारा संसार हिला के रखता। आज संसार च किसान इतने हिंदू सिख मुसलमान ईसाई नहीं, कोई भी भाषा वाला, कोई भी जात वाला, कोई भी धर्म वाला, किसी भी देश वाला, हर किसान जाग पिया। हर किसान की नज़र इस गल ते आ कि जे हिंदुस्तान का किसान जित जाता तो सारे संसार दे विच किसान जिहड़ा बजूगा। असी 13 अगस्त तक रणनीति लिखी आ, 8 अगस्त में साड़ी मीटिंग आ, उहदे च 15 अगस्त में की प्लैन करना की करना वह करांगे। 2022 चोणां लगदा तुहानूं की थोड़ा फर्क पएगा? बिल्कुल नहीं जी, एक नंबर पर अंदोलन आ, चोणां 2 नंबर पर आ। जे साडा अंदोलन किसी बन्ने ना लगा पंजाब चोणां नहीं होण देंगे। अगली रणनीति की तुहाडी? साडी अगली रणनीति है मोर्चा मजबूत करना, वध तों वध गिणती लोगों नूं लैके जाणी, क्योंकि पंजाब धरोहर आ, पंजाब जाड़िया मोर्चे की, पंजाब मोढ़िया, इस करके चाहुंदे मोर्चा मजबूत होवे। दिल्ली तों पंजाब दे विच आए हो, की किसानां नूं मैसेज लैके आए, की संदेश देणा? मैं संदेश ही देना चाहुंदा वी भराओ, झोना लग गया, दवाइयां पै गईआं, खादा पै गईआं, आओ चलीए दिल्ली वल, बार्डर वाल चलीए, मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के रश करिए, भीड़ करिए, मोदी को पता लग जाए भी अंदोलन मजबूत है, किसान खड़े आ, डट के खड़े आ। केंद्रीय मंत्री तोमर का भी बयान आया कि आप किसानों ने गलबात करने को तैयार? बिल्कुल नहीं जी, अं बिना शर्त गलबात करने के हमायती हाँ। जे कोई शर्त लावे वो कहता कानूनों से गल ना करो, अं मोर्चा लगा कानूनों से, कानूनों की गल क्यों ना करिए, असं जे कानूनों से गल नहीं होनी, बिल्कुल गल नहीं करा। आवाज़ कम टीवी अमृतसर तो हिमांशु शर्मा की रिपोर्ट।